Hello student, today we will study the next part of our first chapter, that is systematics and taxonomic categories. Before starting this new topic, we will first recall our previous class topics. So in our previous class, we studied about what is biology consist of and what are the characteristics of living being. We studied the five major characteristics of living being. Further, we studied about the nomenclature, how the nomenclature is done, and two standard system which is provided by the geological and botanical faculties. That is ICBN and ICZN, International Code of Botanical Nomenclature and International Code of Zoological Nomenclature. We also studied about the classification system and how the classification is done. And we also studied how this classification is based. This classification is based on taxonomy and what this taxonomy is consist of. All this we have studied earlier in our previous class. I hope you all have recall it. Now we will move on to the next part of this first chapter, that is living world, and our today's topic is systematics. So what is systematic? Systematic is to study taxonomy, diversity and different type of organism is known as systematic. हमने प्रीवियस क्लास में बात कर ली थी कि लिविंग बींग क्या है, लिविंग बींग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. हम इतने सारे लिविंग बींग हैं जिनमें प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं, एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं. एनिमल्स में भी अगर आप कैटेगरी करो तो रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं. उन सब की अलग अलग कैटेगरी की गई है, नॉमिनिक्लेचर किया गया है, नाम उनका दिया गया है, एक साइंटिफिक नेम, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड उस सेम नेम से जाना जाए. इन सबको एक सिस्टम में डालने के लिए उसको सबको कहा जाता है सिस्टमैटिक, जहाँ उनकी टैक्सोनॉमी, उनकी डाइवर्सिटी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक. टैक्सोनॉमी में हमने प्रीवियसली बात कर चुके हैं, टैक्सोनॉमी में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, वो कहाँ को बिलोंग करता है, उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मॉर्फोलॉजी यानी वो बाहर से कैसे दिखता है, ठीक है. टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स की कहाँ से उसके एंसेस्टर्स कौन से थे, कहाँ से उसकी जो है हम लोग देख सकते हैं कि दूसरे से कैसे रिजेंबल होता है, उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आउटर प्रेजेंस कैसा है, ये सारी आ जाएंगी हमारे उसकी डाइवर्सिटी में. और इन सबको जो स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक. अब ये वर्ड जो सिस्टमैटिक्स है, ये एक वर्ड लैटिन वर्ड से अराइज किया गया है, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो आपने देखा ह्यूमन बींग्स को हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनकी डाइवर्सिटीज़ को स्टडी करना. डाइवर्सिटीज़ मीन्स क्या क्या डिफरेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल बर्ड्स अगर आप देखेंगे तो हर बर्ड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एनिमल को स्टडी करेंगे तो एनिमल्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर आप देखेंगे उसमें जो पानी में रहने वाले अलग, एक्वेटिक एनिमल्स के अलग हैं, डेजर्ट में रहने वाले के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो उन सब के डाइवर्सिटीज़ को स्टडी करने की जो एक ब्रांच है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. और ये सिस्टमैटिक जो है, ये वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, इस वर्ड जो है सिस्टमैटिक को एक साइंटिस्ट है लीनियस, उन्होंने भी यूज़ किया है. लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरली इन हिज टाइटल फॉर हिज पब्लिकेशन. तो एक साइंटिस्ट हैं
जिनका नाम है लिनियस। और लिनियस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने दिया था बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैंजिफेरा इंडिका, जहाँ पे फर्स्ट था जीनस, दूसरा था स्पीशीज, इसे हम बोलते हैं जहाँ पे दो थे जीनस और स्पीशीज, इनको बोलते हैं बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। और ये बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, लिनियस ने। तो लिनियस ने ये वर्ड जो है सिस्टमा, वर्ड सिस्टमा नेचुरली यूज़ किया था उनकी पब्लिकेशंस के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार वन वर्ड के लिए या क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सिस्टमा में जो हमने बात की सिस्टमैटिक्स, ये जो ब्रांच है जिसमें हम डाइवर्सिटी स्टडी करते हैं, उसमें और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसमें और चीज़ें इंक्लूड करते हैं लोग स्टडी करने के लिए। तो इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं सिस्टमैटिक में। आइडेंटिफिकेशन कि ये प्लांट है, एनिमल है, एक्वेटिक है, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा, वेदर इट इज़ अ प्लांट, इट इज़ अ एनिमल। फिर नॉमेनक्लेचर की बात आ गई, नॉमेनक्लेचर अगेन मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल लेवल की, कि इंटरनेशनल लेवल जो है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें उसका नेम क्या रहेगा, जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड रहेगा उसको सब लोग उसी नेम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाई करना, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इस सिस्टमैटिक में जो है ये सभी बेस्ड रहता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कि उनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो उनका एवोल्यूशन एक मंकी से हुआ, धीरे धीरे वो एवोल्यूशन जर्नी उनकी आज के मॉडर्न ह्यूमन बींग में कन्वर्ट हुई है। तो ऐसे चाहे वो वेदर इट इज़ अ प्लांट, वेदर इट इज़ अ एनिमल, उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि उनका दूसरे इंसेक्ट्स के, अगर इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग तो दूसरे इंसेक्ट के साथ उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, अगर एनिमल है प्लांट है तो उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उस बेसिस पे होता है। होप आपको सिस्टमैटिक वर्ड क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ या रिपीट कर देती हूँ। सिस्टमैटिक इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी टैक्सोनॉमी, diversity and different kind of organism. This systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. And even scientist Linnaeus has used this term in Systema Naturae in his publication. And this systematic include identification, nomenclature and classification, which are based on evolutionary relationship between organism. Now I move on to the next topic, that is taxonomic categories. हमने बात की कि जितने भी organisms हैं उनको हम categorize करते हैं on the basis of taxonomic. तो ये taxonomic characteristics या categories क्या हैं? तो firstly, it is a hierarchy of step in which each step represent a rank or category. अब हमने कहा जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, एक हायरार्की ऑफ स्टेप है जहाँ पे हर एक जो स्टेप है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक या कैटेगरी को। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायरार्की? तो हायरार्की मींस एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल आपके दादाजी, उसके बाद आपके फादर, उसके बाद आप, एक पर्टिकुलर हायरार्की सिस्टम है कि इसके बाद तो ये ही आएगा, हम बीच में चेंज नहीं कर सकते। मैं अपनी क्लास में एक और एग्जांपल पुट करती हूँ बच्चों को समझाने के लिए, कि अगर एक बच्चा है क्रॉल करता है तो फर्स्ट वो क्रॉल करेगा, फिर वो वॉक करेगा, फिर वो स्टैंड होगा, फिर वो कम्प्लीटली चल पाएगा। या हम बोल सकते हैं पहले बेबी बनेगा, ठीक है, बेबी से एक अडल्ट बनेगा, ठीक है, अडल्ट से फिर वो ओल्ड एज में आएगा। ऐसा तो नहीं कि बर्थ लिया और डायरेक्ट वो ओल्ड एज में आ गया, एक पर्टिकुलर स्टेप होगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, उसके से ही वो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो टैक्सोनॉमी जो कैटेगरीज होती हैं उसमें भी हायरार्की स्टेप्स होते हैं, कि एक स्टेप के बाद ये वाला स्टेप होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें ये है
टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो हायरार्की ऑफ स्टेप के द्वारा की जाती है, विच रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कैटेगरी. ओके, विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, एंड दिस रैंक और कैटेगरीज आर ऑल आर टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट. और ये सारी क्या होते हैं, टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट होते हैं विच आर नोन एज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी. इसको मैं और आपको इलस्ट्रेट कर देती हूँ एग्जाम्पल से. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता है सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या हैं, दे कंटेन जॉइंटेड अपेंजेस. अपेंजेस मीन्स लेग्स, है ना. जितने भी सारे जो इंसेक्ट्स हैं दे ऑल कंसिस्ट ऑफ जॉइंटेड अपेंजेस और लेग्स. लेकिन फिर भी आप देखोगे कि उनमें सेम, ये तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन फिर भी उनमें अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कॉर्पियन देखें तो उसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पाइडर देखें उसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, कॉकरोच देखें उसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लेकिन जो अगर हम उनको कम्बाइंडली उनकी स्टडी करते हैं कि अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेम है उनको स्टडी करें तो दे ऑल हैव जॉइंटेड अपेंजेस, यानी जॉइंटेड लेग्स हैं उनके अंदर. ठीक है, तो उनको स्टडी करने के लिए, उनको कैटेगराइज करने के लिए एक पर्टिकुलर हायरार्कियल सिस्टम होता है, टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट होता है. ठीक है, अब है टैक्सोनॉमिकल जो है, ये जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, और जब इन्होंने फर्दर एनिमल्स या प्लांट्स को स्टडी किया तो इन्होंने एक सिस्टम बना दिया. हमने बोला कि एक पर्टिकुलर हायरार्कियल सिस्टम है, एक टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट है, और सभी प्लांट्स और एनिमल्स को इसी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, इसी के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफाई किया है, उसी के अकॉर्डिंग उनका नॉमनक्लेचर हुआ है. तो द टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी मैंने कहा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इज कंसिस्ट ऑफ हायरार्कियल स्टेप एंड टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट. ये जो अरेंजमेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट जो होता है एनिमल्स का, वो इसी पे बेस्ड होता है. और जितने भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है, वेदर इट इज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट, इसी पे बेस्ड होती हैं. तो उसमें यहाँ फर्स्ट आते हैं किंगडम, देन फाइलम, फाइलम फॉर एनिमल, और प्लांट्स के लिए डिविजन यूज़ करते हैं, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. और यही हायरार्कियल ऑर्डर रहेगा. इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि किंगडम के बाद हमने जीनस लिख दिया, जीनस के बाद स्पीशीज लिख दिया. नो, यहाँ पे किंगडम के बाद फाइलम होगा, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज. होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि जो हमने कहा हायरार्कियल ऑर्डर, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बेबी से डायरेक्ट ओल्ड एज में नहीं आ सकता. अभी आप जैसे जैसे स्टेप हम क्लियर करेंगे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ऐसा नहीं है. तो एक पर्टिकुलर हायरार्कियल सिस्टम है कि आफ्टर किंगडम फाइलम विल कम, एंड आफ्टर फाइलम क्लास, आफ्टर क्लास ऑर्डर, आफ्टर ऑर्डर फैमिली विल कम, एंड आफ्टर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज आर मेंशनड. तो दिस हायरार्कियल सिस्टम इज फिक्स्ड, ओके, इट कांट बी चेंज्ड. और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इन फर्दर क्लासेस, इन योर हायर क्लासेस, यू विल सी कि जो क्लासिफिकेशन है वो इसी बेसिस पे या इसी ऑर्डर पे बेस्ड है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टू आवर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज स्पीशीज. जो सबसे छोटा है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो हम पहले भी एग्जांपल, जब हमने लेसन स्टार्ट किया, मैंने एग्जांपल आपको दिया था मैंगो का. तो होप आपको तो उसका नेम भी याद हो गया होगा, मैंगो इज नोन एज मैंजिफेरा इंडिका. तो इंडिका उसमें क्या था, स्पीशीज था. तो हम यहाँ स्पीशीज की बात करें, पहले स्पीशीज होते क्या, व्हाट आर स्पीशीज. तो स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. स्पीशीज कुछ भी हो सकता है, जो भी इंडिविजुअल हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, जिनमें एक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो, एक ग्रुप हो ऑर्गेनिज्म का. हम देखेंगे बाहर से हमें पता लग रहा है, दिख रहा है कि और इनमें ये सिमिलैरिटीज हैं.
वन स्पीशीज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, और इस बेसिस पे उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफर कर सकते हैं। किस बेसिस पे? कि बाहर से ही देखकर, उनके बाहर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ही हम लोग उनको चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी है। अगर आप एक मैंगो लीजिए, एक पोटैटो लीजिए, दोनों को आप बिल्कुल डिफरेंट बाहर से देखकर ही आप बोल देंगे कि मैंगो जो है वो फ्रूट है, अगर एक पोटैटो है तो वो वेजिटेबल है। उनको बाहर से देखकर ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे बोथ आर डिफर एंड दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। इसी तरह से अगर एनिमल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है पैंथरा लियो विच मीन्स लॉयन एंड होमोसेपियन विच मीन ह्यूमन। अब ये जो लियो है ऑब्वियसली लॉयन का है और सेपियंस ह्यूमंस, दोनों डिफरेंट है। बाहर से देखने से दोनों डिफरेंट, एक एनिमल है हम ह्यूमन बींग है। ठीक है, होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ है मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूब्रोसम, पैंथरा लियो, होमो सेपियन। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है आप देख रहे होंगे कैपिटल से शो की है, ये सारे क्या है? जीनस है। अभी हम जीनस के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सेकेंड मैंने है जो स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया है, मैंजिफेरा इंडिका, ट्यूब्रोसम, लियो, सेपियन, ये सारे जो आप देख रहे हो इधर स्मॉल लेटर से जो मैंने मेंशन किया है, जो सेकेंड लेटर है ना, सेकेंड टर्म है, सॉरी, जो सेकेंड टर्म है, ये सारी क्या स्पीशीज है, क्योंकि ये तो मैंजिफेरा में बहुत सी स्पीशीज हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो सिमिलियर कैटेगरीज हो सकती, जैसे रोज की हैं, काफ़ी सारे स्पीशीज आप देख सकते हैं। ठीक है, होप आपको स्पीशीज क्लियर हो गया होगा कि दे आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ओके, अब हम बात करते हैं जीनस की। अभी हमने हायरार्कियल ऑर्डर की बात की थी ना, यहाँ पर स्पीशीज, स्पीशीज के बाद कौन आ रहा है? जीनस। ठीक है, स्पीशीज यानी कोई भी ग्रुप है, कोई भी इंडिविजुअल है जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं और उनको बाहर से देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया, एक मैंगो, जैसे यहाँ पे मैंजिफेरा इंडिका इज मैंगो, सोलेनम ट्यूब्रोसम पोटैटो, तो हम उनको बाहर से देखकर हम बोल सकते हैं कि एक पोटैटो अलग है, एक मैंगो अलग है। ठीक है, और दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, तो हम बाहर से देखकर ही हम जब बता सके और उनको ग्रुप कैटेगराइज कर सकें, दैट इज नोन एज स्पीशीज। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज जीनस। अब ये जीनस क्या है? तो वेरी सिंपल, हमने कहा जो स्पीशीज जो हैं, जो सेम हैं, जिनमें सेम स्पीशीज हैं, जिनमें कुछ कैरेक्टर सेम हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीनस। तो जीनस कंप्राइजेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, और वी कैन से इट इज एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, वो स्पीशीज जिनमें कुछ क्लोज रिलेटेड रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दोनों बहुत डिफरेंट स्पीशीज हैं। पोटैटो आपको पिक्चराइजेशन हो रहा होगा, ब्रिंजल बिल्कुल आपको पिक्चराइजेशन हो रहा होगा, एक आलू और बैंगन, दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि बट दे बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, लेकिन इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज हैं। अब आप जब फर्दर पढ़ेंगे तो उनकी प्लांट स्ट्रक्चर में, उनकी फ्लावरिंग स्ट्रक्चर में, आगे जाके और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये दोनों जो हैं उन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दे बोथ बिलोंग टू सेम जीनस, दैट इज सोलेनम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो था प्लांट्स का, हम एनिमल्स का समझते हैं। एनिमल में देखिए पैंथरा लियो, पैंथरा लियो मीन्स लॉयन, पैंथरा टिग्रेस मीन्स टाइगर, पैंथरा पादस मीन्स लेपर्ड। अब यहाँ पे देखिए तीनों का जो है जीनस क्या है? पैंथरा। स्पीशीज अलग अलग है, लियो मीन्स लॉयन, स्पीशीज टिग्रेस मीन्स टाइगर, स्पीशीज पादस मीन्स लेपर्ड, लेकिन इनकी जीनस क्या है? पैंथरा। ठीक है, जीनस क्या है इनकी? पैंथरा। और ये जीनस जो है तीनों की सेम है, लेकिन हमने देखा क्या है, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज है।
अलग एनिमल हैं, यानी लॉयन, टाइगर और लेपर्ड वो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है पैंथरा। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम नेक्स्ट हायरार्कियल ऑर्डर, जो जीनस जो है उसके बाद क्या आता है, फैमिली। फैमिली क्या होते हैं? फैमिली है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ सम ऑफ सिमिलरिटीज। अब देखिए, हमने यहाँ देखा जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर्स में जाएंगे थोड़ी सिमिलरिटीज हमें कम मिलेंगी, लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम उनको दूसरे से कंपेयर करें तो वहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज उनमें हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट जेनरा को कलेक्ट करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जेनरा को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं तो उन सिमिलरिटीज़ वाले को एक फैमिली में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो जो फैमिली हैं विच हैव अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इन कंपेरिजन टू जीनस एंड स्पीशीज, एंड दिस सिमिलरिटीज कैन बी बोथ, फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स दिस सिमिलरिटीज कैन बी बोथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव टाइप। तो फैमिली में भी क्या है कि जो रिलेटेड जो ग्रुप है उसमें सेम जीनस वाले जो उसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं उनको हम किस में पुट कर देंगे, फैमिली में। प्लांट्स के अंदर फैमिलीज को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। अगर उनमें वेजिटेटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक सेम है या रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो है वो सेम है तो उनको सेम किस में डाल दिया जाता है, फैमिली में। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव आपको पता ही होंगे बाहर से देखने में कैसा है, कैसा उगता है, कैसा कर रहा है, रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है उसकी, उसमें से स्पोर्स निकल रहे हैं या फिर उसमें से वो प्लांट पार्ट से कर रहा है, वो सीड बन रहा है, इस बेसिस पर उसको सेम फैमिली में पुट किया जाता है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में सॉरी सोलेनम जो है, सोलेनम में जो जनरा सोलेनम है उसमें क्या आता है, पिटूनिया और धतूरा। ठीक है, सोलेनम में क्या आता है, पिटूनिया और धतूरा, और ये दोनों बिलोंग करते हैं किस फैमिली को, सोलेनेसी को। पिटूनिया एक फ्लावर है, धतूरा आप सबको क्लियर ही है धतूरा क्या होता है। तो दोनों फ्लावरिंग प्लांट, ये छोटा सा पौधा होता है, इसमें कई कलर्स के फ्लावर्स आते हैं, विंटर्स में खिलता है। और धतूरा देखने में बहुत डिफरेंट फ्लावर्स हैं लेकिन दोनों दे बहुत बिलोंग टू सेम फैमिली, दैट इज सोलेनेसी। एनिमल्स से हम समझते हैं जैसे जेनरा पैंथरा, अभी हमने यहाँ बात की थी ना पैंथरा में, तो पैंथरा में लॉयन, टाइगर, लेपर्ड ये सारे किसको बिलोंग करते हैं, जीनस पैंथरा को। और जो कैट्स हैं वो किसको बिलोंग करती हैं, फेलिस। ठीक है, फेलिस। पर ये जो दोनों हैं मैंने मार्क नहीं किया है, ये जो जीनस है कैट की क्या है, जीनस है फेलिस। ठीक है, और फेलिस में जो है ये क्या आते हैं, यहाँ पे जीनस पैंथरा में लॉयन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं और जीनस फेलिस में क्या आते हैं, कैट। और ये दोनों जो सेम फैमिली में हैं, ये दोनों सेम फैमिली में हैं, एंड दिस फैमिली इज नोन एज फेलिडी, फेलिडी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए दोनों में कितना डिफरेंस है, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड और कैट में, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है इसलिए उनको फैमिली किस में रखा गया है, फैलिडी। अब फैमिली के बाद आते हैं ऑर्डर, बिल्कुल भी वैसे ही सेम कि जो जितनी भी फैमिलीज हैं जिनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनको किस में डाल दिया जाता है, ऑर्डर में। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि कॉनवलेसी एंड सोलेनेसी ये दोनों किस ऑर्डर में आते हैं, पॉलीमोनियल्स में, किस बेसिस पे, उनकी फ्लोरल कैरेक्टर्स की बेसिस पे। अब कॉन्वलेसी जो है इसमें कौन से पौधे आते हैं तो मैं आपको बता दूं, एग्जांपल के लिए इसमें स्वीट पोटैटो आता है। सोलेनेसी में अभी हमें देखा पोटैटो आ रहा है, ब्रिंजल आ रहा है, और ये जो उनके फ्लावर्स के बेसिस पे एक ऑर्डर में डाल दिया जाता है जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। ठीक है, अब एक बार एनिमल्स का भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे अगेन क्या लिया, फेलिडी। अभी हमें पता है फेलिडी में कौन आया था, अभी अभी कैट्स आई थी प्लस टाइगर, लायन, लेपर्ड ये इस फैमिली में आए थे, प्लस इस फैमिली में फेलिडी और कैनेडी। कैनेडी में आते हैं डॉग्स, क्या आते हैं, डॉग्स।
तो ये बहुत फैमिलीज फिलेडी, जिसमें कैट लेपर्ड डॉग्स कैट आते हैं, सॉरी मैं बोल रही फैलेडी में ओनली कैट्स आती हैं, सॉरी पैंथरा में आते हैं लायन टाइगर वगैरह। तो फैमिली फैलेडी में कैट्स और कैनेडी डॉग्स, ये दोनों फैमिलीज जो हैं किस ऑर्डर में आ रही है, कार्निवोरा। ठीक है, कौन सी ऑर्डर में आ रहे हैं ये लोग, कार्निवोरा। करेक्ट दिस स्पेलिंग इज ए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेम फैमिलीज जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस में आते हैं ऑर्डर में, जैसे कि प्लांट में है कॉन्वलेसी या सोलेंसी किस में आते हैं पॉलिनोमियल ऑर्डर में, इसी तरह फैमिलीज जो हैं फिलेडी यानी कैट्स और कैनेडी यानी डॉग्स, ये किस ऑर्डर में आते हैं, कार्निवोरा में। अब जो है इस ऑर्डर के बाद क्या आता है, क्लास। यहाँ देखिए क्लास, तो सिंपल है जितने भी सिमिलर ऑर्डर्स हैं वो किस में आएंगे, क्लास में। जैसे कि ऑर्डर प्रीमेटा में कौन आते हैं, मंकी गोरिल्ला गिबन्स, और ये सारी क्या हैं, सेम ऑर्डर है। एक ऑर्डर है प्रीमेटा में कौन आ रहा है, मंकी गोरिल्ला और गिबन्स, और ये जो सारे हैं वो कौन से क्लास में आते हैं, मैमेलिया में। अब मैमेलिया में कौन से आ सकते हैं, डॉग्स भी आएंगे कैट्स भी आएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस ऑर्डर में प्रीमेटा में कौन है, मंकी गोरिल्ला गिबन्स, और ये किस क्लास में आ रहे, मैमेलिया में। नेक्स्ट आता है फाइलम। अब ये भी वेरी इजी है कि फाइलम में कौन से आ गए, सारे क्लासेस जिनमें जो है कंप्राइजेस करते हैं सभी एनिमल्स फाइलम के अंदर। ठीक है, अब मैं क्यों ऐसे एनिमल्स बोला वो भी बताऊंगी, क्योंकि प्लांट्स में हम इसको बोलते हैं डिवीजन, और ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है फाइलम। ठीक है, अब आपने छोटी क्लासेस में कैटेगरी पढ़ी है एनिमल्स को, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, फिशेस एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स, तो ये सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। तो ये सारी क्या है, फाइलम है। तो इन प्लांट्स के अंदर भी जो है उसको हम बोलते हैं डिविजन। ठीक है, फाइलम के बाद आते हैं किंगडम। किंगडम में जो है वो सारे प्लांट्स जो एनिमल्स जो हैं जो वेरियस फाइलम से बिलोंग करते हैं उनको हम लोग एक हाईएस्ट कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज नोन एज किंगडम। तो दो किंगडम है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये एक हायरार्किकल ऑर्डर था जो हमने स्टडी किया, जो सभी को जो वेरियस एनिमल्स हैं उनको स्टडी करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो अभी हमने स्टडी किया ये वाला ऑर्डर, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए किंगडम फाइलम डिवीजन। डिवीजन प्लांट्स के लिए, फाइलम एनिमल के लिए, देन कम्स क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।